गाइस, आज हम बात करेंगे वर्लपूल इंडिया एलटीडी शेयर के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो शेयर का प्राइस है वो 1514.90 रुपये का है और इस शेयर ने अभी तक 0.77% के रिटर्न दिए हैं। 5 दिन की बात करें, 5 दिन में इस शेयर में 2.31% की गिरावट आई है। 1 मंथ की बात करें, 1 मंथ में इस शेयर में 6.79% की गिरावट आई है। 6 मंथ की बात करें, 6 मंथ में इस शेयर में 3.32% की गिरावट आई है। ईयर टू डेट की बात करें, ईयर टू डेट में जो शेयर है वो -14.80% गया है। वहीं हम मैक्स में ऑल टाइम में देखें तो ऑल टाइम में इस शेयर ने 971.97% के रिटर्न दिए हैं। शेयर की बुक वैल्यू को देखें तो आप देख सकते हैं जो शेयर की बुक वैल्यू है वो 275.92 है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। बात करें इसके बीटा की तो बीटा 0.65 है। तो आप देख ही सकते हैं जो शेयर की बुक वैल्यू और फेस वैल्यू है वो पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो बीटा है वो इतना भी पॉजिटिव नहीं है, बीटा ठीक ठाक है। इस शेयर के डिलीवरी एंड वॉल्यूम को देखें तो आप देख सकते हैं जो इसकी वॉल्यूम है आज की वो 88K है, यस्टरडे की 7 लाख, 1 वीक एवरेज की 3 लाख और 1 मंथ एवरेज की 2 लाख। और इसकी डिलीवरी को देखें, डिलीवरी 62%, 76% और 77% की है। इस शेयर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो इसका जो पहला सपोर्ट है वो 1480.53 रुपये है, दूसरा सपोर्ट 1457.77 रुपये है, तीसरा सपोर्ट 1425.53 रुपये है। बात करें इसके रेजिस्टेंस की तो इसका पहला रेजिस्टेंस 1535.53 रुपये है, दूसरा रेजिस्टेंस 1567.77 रुपये है, तीसरा रेजिस्टेंस 1590.53 रुपये का है। शेयर के शेयर होल्डिंग को देखें तो आप देख सकते हैं जो प्रमोटर है उसके पास 75% की शेयर होल्डिंग है, FII के पास 3.04% की, DII के पास 12.52% की, पब्लिक के पास 9.43% की और अदर्स के पास 0.01% की। तो आप देख ही सकते हैं जो प्रमोटर है उसके पास इस शेयर की कितनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग है।